अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ मीठे गुलगुले की रेसिपी शेयर करेंगे जिसे हम मैदे से बनाएंगे। आटे से बने गुलगुले तो आप सभी ने ट्राई किए होंगे, लेकिन मैदे से बने हुए गुलगुले भी काफ़ी मज़े के बनते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर चलिए इस मीठी सी मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बर्तन में ये गुड़ डालेंगे जो कि मैंने हाफ कप लिया है। तो इस गुड़ को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। आप गुड़ की जगह पर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो इसलिए मैंने गुड़ का यूज़ किया है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चीनी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप चीनी भी ले सकते हैं। तो इस गुड़ को मैंने मेल्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट पहले इसे भिगोकर रख दिया था। आप चाहें तो इसे पकाकर भी इसका शीरा तैयार कर सकते हैं, इसे मेल्ट कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसे 15 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। तो देखिए अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तो ये हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची का पाउडर। और फिर इसके बाद हम इसमें ये 1 कप मैदा ऐड कर देंगे, और फिर बस मैदे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर पानी की ज़रूरत और होगी तो हम थोड़ा पानी इसमें और भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह का बैटर आपको रेडी करना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो अब ये बैटर रेडी हो चुका है, तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। आपने पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और फिर गैस की फ्लेम को आपने मीडियम कर देनी है, और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो ये थोड़ा थोड़ा करके गुलगुले का बैटर हम ऑयल में डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे देखिए, हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये हल्के से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं ऑयल से। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे गुलगुले भी फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको ये मीठे मीठे गुलगुले की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।